हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है सेटअप टूर की वीडियो में। सो गाइस, मैं बाहरों जाके तो नहीं ब्लॉग बना सकता, सो अंदरों मैं गेट को स्टार्ट करूँगा ब्लॉग बनाना इस को, क्योंकि रात दे बज रहे हैं। कितना टाइम हो गया? रात दे बज रहे हैं भाई 3। सो जे मैं बाहर जाके लाइट ऑफ ऑन करूँगा तो मैनू पैणगी गाना। सो इतों बना रहा। एक मैं गल होर दस दिना, मैं दूरी तो बना रहा क्योंकि पहला मैं कैमरे सैटिंग नहीं चेंज की सी, स्लो मोशन जी मैं रिकॉर्ड करी गया, सो मेरे बोले का कोई फायदा नहीं रहा। सो गेट के जो अंदर एंटर करते हैं तो सारे पहला गेट के उत्ते कुंडियां जी लगियां, समान समून टंग दीदा। इतने हम बैग टंगया वा, इस फ्लैश है ठीक है, तो एक अपनी टोपी पई है। ठंड का साधन भाई, ठंड हो चली है। सो इतने अपना स्विच बोर्ड लगा, तो पुराने स्टाइल का पड़ा लग्या वा, ये पखे नू घट वध करन वाला। वैसे हुण तां इहनू लोड़ ही नहीं, 6 महीने भुल जाओ बेचारे, भुल जाओ, इहदा कम नहीं आना, यह कम नहीं आना। गाइस आप रूम टू स्टार्ट करांगे, इधरों स्टार्ट करांगे, इधरों सारा देखते सेटअप होने जावांगे। सो इत्थे एंड करांगे, इधरों वैसे इधरों स्टार्ट करने शो शहरी शहरी। सो जिवें कि तुसीं देख सकते हो साडा शहरी सुता पिया है, शहरी ये नहीं हिलदा। सो ये 24 घंटे इत्थे ही सौंदा वा, इत्थे ही पैंदा वा, ये अपना ये की कहिंदे हुंदे आ बैड आ। सो मेरा ते शहरी दा सांझा बैड, इक्को इक सराहना साडे कोले, शहरी को वैसे टैडी बियर जहा है ना, शहरी नींद जा देखो पूरी नींद जा, कहता भैं चो अद्धी रात में भी नहीं टेकता। सो इतने बोर्ड लगा एक, इतने अपना पीसी का प्लग लग जाता एंड अपना वाईफाई का प्लग लग जाता। सो वाईफाई की तार इधर उपरों ए आती पई आ, सो ए जगाड़मेंट मेरी खुद ही फिटिंग की हुई है। एंड फिर जो आप हम रूम के आने इधरले साइड, सो इधरली साइड देखते हैं आप। स्टार्टिंग इधर ये बारियां जी बनिया वा, सो पहली बारी के पिया वा सॉफ्ट बॉक्स पिया वा, थोड़ा जहा फोटोग्राफी वाला समान। तो इतने कॉली पई है, कॉली च की आए नू होना इतना सच अमरूद खादा सी। सो पहली फोटो चा अपनी मेरी फोटो आए पहली। सो इत हैगा जगतार, जगतार दियोल, अमृत सिद्धू, तो लक्की बल्लिंग, माए तो ये चाह प्रोड्यूसर हो रही। अभी फोटोशूट करने गए थे उन्होंने, उदू खिंचा सी वैसे, हूँ तो वाहवा लिहाज बन गई इन्होंने। सो अगले जाने तो आप इतने पे अपना सारे पहले पावर सप्लाई का बॉक्स, दैन अपना अनमोल रतन, यूट्यूब प्ले बटन का डब्बा, तो राइजन 5 का डब्बा। बोतल कहने रखती इतने, खाली है, खाली है, वैसे खाली है डब्बा, घंटा पीते पूंदे आप है नहीं, ना ही रिकमेंडेड करते हैं। सो इतने पिया वा मदरबोर्ड का डब्बा, फिर हार्ड ड्राइव का, फिर वैब कैमरे का, एंड थले पिया अपने गिम्बल का डब्बा। वैसे लक्की के कमरे पिया हों सारा कुछ, बट अज इधर पिया क्योंकि रात को 1 बजे 1:30 बजे लक्की आया सी, तो मैं क्या सारा समान इधर ही रात में रिकॉर्डिंग करनी है, वैसे गुम्बल मैं यूज़ नहीं करता पाया। तो फिर इतने अपना आ जाता सोफा, सो सोफे पे कैमरे की किट, सो मैं ये भी तुम बाद दिखा दूंगा की असं यूज़ करते हैं। एंड दैन आ जाता अपना पता नहीं की जगाड़मेंट या मोबाइल टिकाने, ठीक है। हम चलते हैं इधर, पहले मैं सुनू फुल व्यू दिखा दिना, इदू इदू ज़्यादा व्यू मैं फ्रेम के लिया नहीं सकता क्योंकि लेंज मैं यूज कर रहा 50 mm। सो इदा दिखा दिना वा। हम गाइस गल करते हैं अपने गेमिंग चेयर के बारे, वैसे गेमिंग चेयर नहीं साले की है, ये पता नहीं की है, वैसे गेमिंग चेयर नहीं कह सकते इनू। सो दूजे नंबर पर अपना आ जाता वा पीसी। सो पीसी जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये उत्ते तो पहली गल समान बहुत पे, किसी का डाटा कॉपी कर रहा है, वो समान पिया वा। स्पेसीफिकेशन जो हैगी राइजन 5 1600 आ, ग्राफिक कार्ड RX 570, 8 GB रैम आ, A320 मदरबोर्ड आ, कैबनेट आ होम मेड। मैं पिछों करके दिखाऊंगा थोड़ा कैबनेट का व्यू। कैबनेट वैसे ना ये 400-500 वाली सी, सो इनू मैं कट के ये मूहरे मिरर लगाता, साइड पर मिरर लगाता, तो पावर सप्लाई उपर ला दी, सू थले लिया PSU शराउड बनाता, एंड बस आपकी थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाई। ये फैन ऐड करने की लड़ा थोड़े जे, सो एयरफ्लो भी ठीक ठीक हो जूगा, नहीं तो कम तो चल ही जाता। एंड ये एक झोपड़ी जी होंगी सी मेरी बनाई भी, सो वो उत्ते टकाया वा, वैसे हमने झोंपड़ी नहीं, हमने मेज बन चुके है। सो आ गद्दी, गद्दी गल एक तो 100-100 किन्ने वाली बोले हैप्पी यार। तो फिर उपर पीसी आप चैकआउट कर लें कि पाई आ, किसी की हार्ड ड्राइव से घसया टैक कवर, दैन रिमोट आए RGB का, जिड़ी कि हम जमा नहीं दिखू क्योंकि लाइट बहुत ब्राइट लाई हुई है। तो अपनी गेमिंग चेयर पासे करती हुई मैं तुम्हें दिखाऊंगा, इतने अपनी पाई होंगी हमेशा पानी वाली बोतल, लाइव स्ट्रीम के पानी पीने के बहुत काम आती है। सो जिमें कि तुम देख ही सकते, थले आप सफाई नहीं करते, थले पैर अपने सफाई कर देंगे पता नहीं कि वे।
ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਪਈ ਆ ਫੁੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਇਹਦੇ ਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਲਿਆ ਦਿਓ ਕੋਈ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਪੀ ਰੋਣਾ ਕੂੜਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ 300-400 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਮਾਊਸ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਲਿੱਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਫਾਈਨ ਸੈੱਟ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਵੀ ਸੋ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਾਊਸ ਲਈ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਮਾਊਸ ਪੈਡ ਠੀਕ ਆ ਐਮਾਜੋਨ ਤੋਂ ਬਟ ਆਇਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਲੂ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੀਬੋਰਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੀਬੋਰਡ ਟੈਕ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮਾਊਸ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਾਊਸ ਪੈਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੱਦੀ ਘਾਹ ਜਿਹਾ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸੋ ਮਾਊਸ ਪੈਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਤਾ ਖਾਂਚੇ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੀਬੋਰਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕੀਬੋਰਡ ਆ ਇਹ ਜੈਬਰੋਨਿਕਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮਰ ਕੋਂਬੋ ਦਾ ਕੀਬੋਰਡ ਆ ਇਹ ਅਤੇ ਮਾਊਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ 1100-1200 ਦੀ ਕਿੱਟ ਆ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਖਾਂਚਾ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਆਏ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਸੇ ਪਲੇਟ ਜੀ ਲੱਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹਤੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਸੋ ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਆ ਡੈਰੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੁਛ ਲਿਖ ਲਈਦਾ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੂਡ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ਆ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਪਿਆ ਵਾ ਲੈਂਸ ਕੈਪ ਪਿਆ ਵਾ ਐਂਡ ਕੁਝ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਲੁੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੂਅਲ ਮੋਨੀਟਰ ਸੈਟਅਪ ਐਜ਼ ਏ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਕੈਰੀ ਦੀ ਸਟਰੀਮ ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਏ ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਵ ਸਟਰੀਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਇਕੱਲੀ ਚੈਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈਕ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਚੈਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾਲੇ ਸਟਰੀਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਫਰ ਬੂਫਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਐਂਡ ਆਲੇ ਮੋਨੀਟਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ ਖੁੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆ ਐੱਲ ਜੀ ਦਾ MK 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋਨਾ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਇਸ ਇਹ ਆ ਐੱਲ ਜੀ ਦਾ MK ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 24 MK 600 ਸੋ ਇਹ ਆ IPS ਪੈਨਲ 1080p 75 Hz ਅਤੇ ਆਹ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ 2600 ਦਾ ਮੋਨੀਟਰ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਮੋਨੀਟਰ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਮੋਨੀਟਰ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੈਬ ਕੈਮ ਇਹ ਆ ਲੋਜੀਟੈਕ ਦਾ 310 ਵੈਬ ਕੈਮ ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਬੱਲਬ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਫੇਸ ਕੈਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈੱਡਫੋਨ ਸੋ ਇਹ ਆ ਰੀਅਲਮੀ ਦੇ ਬਰਡਸ ਮੇ ਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ 650 ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਵੈਸੇ ਐਂਡ ਘਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪਈਆਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਡਰੋਰ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੋ ਡਰੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਜੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤਾਰਾਂ ਹੀ ਤਾਰਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਚਾਨਣ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੋ ਫੋਕਸ ਕਰ ਚਾਚਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਹੀ ਤਾਰਾਂ ਵਾ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਮੋਨੀਟਰ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸੋ ਮੋਨੀਟਰ ਐਂ ਵਾਲ ਮਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਮੋਨੀਟਰ ਆਰਮ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੈਸੇ ਵਾਲ ਮਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਵਾ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਪਲੇ ਬਟਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਪੀ ਮਾਡਲ ਮੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਆਪਣੇ ਆਏ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੇਮਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਇਸ ਲਈ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮਿਲੇਗਾ ਬਟ ਸੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਆਪਣਾ ਪਲੇ ਬਟਨ ਆ ਦੈਨ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਇਹ ਪਲੇ ਬਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਪਰ ਜਾਇਆ ਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਗੱਲ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ ਯਾਰ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੱਕੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਇੱਧਰ ਲੱਗੀ ਆ ਇੱਕ ਲੱਕੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਇੱਧਰ ਲੱਗੀ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਕੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਇੱਧਰ ਲੱਗੀ ਆ ਸੋ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਊਟਰ ਲੱਗਾ ਵਾ ਕੇਬਲ ਕੂਬਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਸੈਟਅਪ ਮਤਲਬ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੈਟਅਪ ਬੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਸੋ ਕੇਬਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ 3 ਵਜੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝੋ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਯਾਰ ਫੋਕਸ ਕਰ ਚਾਚਾ ਹਾਂ ਸੋ 3 ਵਜ ਰਹੇ ਆ ਰਾਤ ਦੇ ਤੋ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮੋਨੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਸਲੈਮ ਆ ਇਹ ਬੈਜਲੈਸ ਅਲਟਰਾ ਪਲੋ ਸਲੈਮ ਪੂਰਾ ਇਹ ਮੋਨੀਟਰ ਸਲੈਮ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਧਰ ਪੂਰਾ ਬੰਬ ਗੰਮ ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਤਾਂ ਐਂਡ ਇੱਧਰ ਪਰਦਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਅਤੇ ਪੱਖਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਛੱਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦੇ ਚੋਚੂ ਜਾਵੇ ਬਟ ਭਰੋਸਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PC ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ Ryzen 5 1600 RX 570 ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕਾਰਡ
8GB RAM, 240GB SSD एंड A320 मदरबोर्ड, 450W की पावर सप्लाई है। सो माइक का मैं तुम्हें दस दिना माइक कि यूज करता मैं। सो माइक मैं यूज करता है मैं बोया का, वो कर चचा कर 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 हाँ बोया का सारे ना मशहूर माइक है ये M1 लेपल माइक। यही मैं स्ट्रीमिंग यूज करता, हरेक थे यही यूज करता, एको ही माइक है मेरे को। सो यही माइक यूज करता। सो स्ट्रीम करते समय अपना व्यू आ फेस कैम ही दिखाऊँगा, इधर चैट चलती है इधर गेम चलती है, बस अं यही सैटअप आ ये डेरी दिखा। वैसे ना घा तो मैं बोर जहा हो गया, एक घा 400-500 का लवाया मैं लैके आंदा ही ला लिया, हूँ मैं बोर जहा हो गया, इनू मैं लाऊंगा। सो देखते हैं बाकी माउस पैड भी नवा लैके आवेंगे, माउस भी जिमें जिमें सैटअप अपडेट करता जाऊँगा ना, मैं अपग्रेड करता जाऊँगा उवें उवें आप ब्लॉग के मैं तुम दसदा जाऊँ ब्लॉग्स के किदा का सैटअप आ की अपग्रेड कर रहे हैं। सो तुम देखना ना भुल्यो, तो जिन्हें चैनल में सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब कर लियो। तो मैं पीसी की टोटल प्राइस दसना भुल गया, ये मोनीटर का आप ला लीए 12,000 तो 3 वो कैरी खड़ गया, 12,000 तो 3,000 हो गए 15 तो 35,000 का मेरे हिसाब से पीसी बने, 35-40,000 का पीसी बने सी, 40 हो गया 55 तो 5,000 का बाकी सैटअप होगा सारा। सो 60,000 मान के चल सकते आप, 60,000 का सैटअप आ। बाकी मैं हूँ सुनू कैमरे वाली एक्सेसरी दिखा दिना, कैमरा मैं यूज करदा पे इस वक्त, एक मिनट इतों की मैं दिखा सकता कि नहीं, ये वजह थी नहीं नहीं बहुत ज़्यादा स्क्रैच आ चुके सफाई करने के चक्कर च। कैमरा मैं यूज कर रहा कैनन 1DX, एक मिनट रुको रुको रुको, एंड गाइस कैमरा मैं यूज कर रहा कैनन 1DX मार्क 2 एंड ए कैट, ये लेंस लूंस फ्लैश फ्लूश बहुत कुछ पिया वा। एक लेंस मैं 50mm यूज कर रहा 135 ये पिया वा एंड 85 पिया, एंड एक होर आ 24mm 24-105 अंग्रेजी च गेयर अड़ जाते साढ़े कई वाली। सो वो कैमरा वो लेंस कोई लैके गया वा, सो वो भी आ जूगा जल्दी। सो अपनी कैट ये भी फुल है, इधर अपना पीसी भी धाकड़ा है धाकड़ हाँ, बस 8GB रैम में आप होर अपग्रेड कर देनी फिर खेडा करा कॉल ऑफ ड्यूटी वार जोन ये आंगू लौंडे आंगू। सो गाइस अज की वीडियो के सिर्फ इन्ना ही, ये मैं पता मैं नहीं आया खुद क्योंकि ये 50mm ब्लॉग करना औखा होंगे, मेरी बांह पहले ही दुखन लग गया आयो रुपा। सो गाइस वीडियो वधिया लगी तो लाइक कर दो, सबसक्राइब कर दो, चैनल को शेयर कर दो यार, मुंडो अग ला दो। गल करदा आ पूरी जिहड़ी कह दवा पहली कम हौली हौली करा कर दाना अणकैली मुंडा पट्टिया रगाने तेरी नोज पेन दा मेरा झूठे खादा लक मेरा सीना बैन दा हुण दे दे तू जवाब बोलदा नहीं मैं बोलदा कि मैं पेंडू जिहा मुंडा कोले मोगे कोल दा।